सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ऑल थिंग यूट्यूब चैनल वीडियोस पे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे ही फ्रेंड्स दबा दीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पूरे इंडिया में अभी CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं 10th और 12th के फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे फ्रेंड्स, आप भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपके एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे, एग्ज़ाम अभी कंटिन्यू चल रहे हैं फ्रेंड्स बच्चों के। तो उसी में, इसी एग्ज़ाम के बीच में गुड न्यूज़ लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए फ्रेंड्स। 12th के लिए कोई न्यूज़ नहीं आया है फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दिस, लेकिन 10th के लिए एक न्यूज़ आया है फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ है आपके लिए। और बैड न्यूज़, एक बैड न्यूज़ भी है कि ये न्यूज़ बस इस साल के लिए है, वन टाइम ईयर के लिए, बस इस साल के लिए, अगले साल ये न्यूज़ नहीं है फ्रेंड्स, अगले साल के लिए 10th के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को देखने से पहले फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो, किसी के लिए अगर हेल्पफुल हो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको किसी मेरी पुरानी वीडियो से क्वेरीज हो फ्रेंड्स, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जा सकते हैं, मुझे वहाँ पर जाके फॉलो करें, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नीचे जाके आप वहाँ से लिंक खोल सकते हैं फ्रेंड्स, फॉलो करें और अपना मैसेज लीव कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि CBSE बोर्ड बहुत चल रहा है एग्ज़ाम, तो मैं उसी बच्चों के लिए न्यूज़ लेकर आया फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस न्यूज़। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ में ये है, मैंने PDF में डाउनलोड किया है, PDF में मुझे नहीं मिला, तो फ्रेंड्स मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्लास 10th के बच्चों के लिए न्यूज़ है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये 10th क्लास के लिए ये न्यूज़ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये जैसे कि आपको जैसे 80 मार्क्स का पेपर होता था एक्सटर्नल पेपर, इंटरनल 20 मार्क्स का पेपर होता है फ्रेंड्स, क्लास टेस्ट 20 मार्क्स होते फ्रेंड्स, उसमें आपको 20 मार्क्स वाले में आपको 33% चाहिए थे पास होने के लिए, और एक्सटर्नल 80 मार्क्स वाले पेपर में भी आपको 33% चाहिए थे आपको मार्क्स पर सब्जेक्ट में। जैसे 80 मार्क्स का पेपर होता था, 26.5 चाहिए थे आपको मार्क्स आपके 5 सब्जेक्ट पे, मेन सब्जेक्ट 5। तो फ्रेंड्स, अब CBSE ने ये कर दिया है कि अगर देखिए फ्रेंड्स, इसको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से जूम कर देता हूँ फ्रेंड्स, कि जैसे आपको दोनों इंटरनल एक्सटर्नल में 33% चाहिए था अलग अलग पास होने के लिए, तो फ्रेंड्स वो चीज़ अब हटा दी है इस साल के लिए फ्रेंड्स। बस जैसे यहाँ पे इस बॉटम लाइन में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे सारा आपको इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये दैट इज़ द करंट बैच, आइदर द बैच ऑफ क्लास 10th विच इज़ टेकन क्लास 10th एग्जामिनेशन इन 2018 विथ 5 मेन सब्जेक्ट हैविंग 20 मार्क्स एज इंटरनल असाइनमेंट कॉम्पिटिशन एज पर द सेमेस ऑफ स्टडीज मे बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द। तो फ्रेंड्स, आप इसे पढ़ लें, मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा फ्रेंड्स, अभी फिर वो टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी लिस्ट है। तो फ्रेंड्स, आप इसे जाके पढ़ सकते हैं, मैं नीचे के पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट हैविंग कॉम्पिटिशन ऑफ 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 80 मार्क्स दे नीड टू स्क्योर ओवरऑल 33%। अब फ्रेंड्स, ये जैसे कि आपको दोनों में 20 मार्क्स वाले में और 80 मार्क्स वाले में आपको दोनों में 33% चाहिए थे फ्रेंड्स, चाहिए होते हैं पास होने के लिए ऐड करके। तो फ्रेंड्स, अब इन्होंने ये कर दिया है कि आपको दोनों में मिला के आपको 33% आ जाएंगे, आप फिर भी ओवरऑल पास हो जाएंगे, बस आपका 33% दोनों में, अगर आपको जैसे इंटरनल एक्सटर्नल में दोनों में आपको 33% चाहिए थे, पहले ध्यान सुनिए, जैसे आपको 20 मार्क्स वाले में पूरे टोटल 33% चाहिए थे और 80 मार्क्स वाले में 5 सब्जेक्ट में आपको 33% चाहिए थे फ्रेंड्स, तब आप पास होते थे। तो आपका बस अब ये करते कि अब दोनों मिला के बस 33% हो तो आप बच्चे क्लियर कर सकते हैं 10th का पेपर। तो इस साल के लिए ये कर दिया है, जैसे आपको 80 में से 26.5 चाहिए था तो और पूरे 5 सब्जेक्ट का टोटल मिला के आपको 33% चाहिए था, तो फ्रेंड्स अब आपको 33% मिलेगा आपको, आप आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए फ्रेंड्स, अब आपको आराम से मिल सकते हैं 33% ओवरऑल आपको चाहिए 20 मार्क्स वाले में भी और 80 मार्क्स वाले में, दोनों का ऐड करके भी 33% हो फ्रेंड्स, तो अब आप आराम से पास हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, यही न्यूज़ था आपके लिए फ्रेंड्स, और ये न्यूज़ बस इस साल के लिए है, ये गुड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ ये है कि अगले साल ये न्यूज़ फॉलो नहीं होगा फ्रेंड्स, आप इस लिस्ट को जा सकते देख सकते हैं आप अपने CBSE के मेन
उसमें जाके भी आप दे सकते हैं, वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, ये सब दे रखा है वहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स इस न्यूज़ को। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा है आपके लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, आशा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, और ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो तो फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा जरूर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, आराम से पढ़िए और अच्छे से भी पढ़ दीजिए फ्रेंड्स, और कोई भी टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स, रिलैक्स होकर पढ़िए फ्रेंड्स। अगर आगे कोई भी CBSE से क्लास 10th एंड 12th से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो तो फ्रेंड्स मैं आपको आगे बताऊँगा आगे न्यूज़ यहाँ पे। और फ्रेंड्स इस चैनल पर आपकी स्टडी से लेके प्रोडक्ट्स के रिव्यू से लेके अनबॉक्सिंग फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ही वीडियोज़ मिलेगी आपको फ्रेंड्स। तो आप इस चैनल पर आइए, विजिट करिए फ्रेंड्स, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं इग्नू के कॉलेज से भी रिलेटेड न्यूज़ लाता हूँ, कैसे फाइल बनाए, कैसे एग्ज़ाम दे, कैसे एग्ज़ाम फॉर्म भरे, तो फ्रेंड्स उसकी मैंने वीडियो बना रखी है इस चैनल में, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू देखने के लिए इस वीडियो, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।